अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं हनी टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बताने वाला हूँ। आपको अजीबो गरीब चीज़ें देखने के लिए दुनिया के आखिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेडिट पर जाने की ज़रूरत है। करें इसमें सार्फिन किसी अजीबो गरीब चीज़ें बाँटते हैं जो इन्हें अपने घरों से मिलती हैं। चीज़ें बाँटने के लिए वो जब अपने घर में पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो ये नायाब हैं, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन ये शादीशुदा जोड़ा एलोलैंड और हाइव में जैकपॉट जीतने में कामयाब हो गया। उन्होंने घर की मरम्मत शुरू कर दी। वो शख्स तय खाने में छत ठीक कर रहा था, डैशबोर्ड उतार रहा था छत का, तो उसने इसके सलाखों के पीछे कुछ देखा तो ये एक छोटा सा सब्ज सूटकेस था जिसमें इसे दूसरा मिला। तय खाने में एक और ऐसे में पहले मियाँ बीवी का ख्याल था कि इसमें सूटकेस में बाल कुछ बेसबॉल के कुछ पुराने कार्ड्स हैं, लेकिन इसकी बजाय इन्हें 33,000 पाउंड का ख़जाना मिला जिसमें पुराने बैंक नोट थे, उनमें कुछ बहुत नायाब थे और उसकी तलाश से खुश हुए लेकिन नहीं मिले। इस शख्स के मुताबिक तफरी पर पैसा खर्च करें जिसने अपना रहन अदा करने के लिए नकद रकम का इस्तेमाल किया था। ये लोग इससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि शुमाली यॉर्कशायर के एक छोटे से अंग्रेज़ी कस्बे के मुतद रिहायशी कर रहे थे। घर की मरम्मत करते हुए उन्होंने बरतानिया में 18वीं सदी के अंग्रेज़ी होने के सबसे बड़े युगों में से एक दरियाफ्त किया जिसके मालकान ने मिट्टी के एक छोटे से कप को हटा दिया जिसमें सोडा के निशान थे। कैंटरेट में छुपे हुए फर्श के तत्वों के नीचे नीला रंग था, सतह को ढांप दिया गया था नमक की पतली है और इसके अंदर तकरीबन 260 सोने के सिक्के थे। पूरे खजाने की तुखमिया मालियत तकरीबन 2 लाख डॉलर थी, लेकिन ये सब कुछ नीलामी पर मुनहसर है। शायद रकम निसफ मिले या लाइक 1 मिलियन मिले। एक सारिफ अपनी माँ के नए मल्टी अपार्टमेंट में आया, इमारत में वो तय खाने में गया और वहाँ एक बहुत बड़ा बैंक वॉलेट पाया। यहाँ ये लोग गोल मोटा धाती दरवाज़ा था गोल मोटा धाती दरवाज़ा था जो बैंक की सेफ की तरह जाता था। कोई रकम या सोना नहीं मिला था लेकिन वॉलेट बिल्कुल बेहतरीन हालत में था। दूसरे रेडिट सार्फिन को पता चला कि ये कैसे है, कैसे ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो वो इमारत से अपना सारा सामान ले जाता है सिवाय एक बड़े महफूज के सेफ के। हकीकत ये है कि ऐसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारी अखराजात की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता महंगे सामान के बगैर हटा दिया जाए, लिहाजा बैंक अपनी सेफ इमारत को छोड़ देते हैं। और एक रेडिट सारिफ ने लिखा, एक कानूनी फर्म ने बैंक की एक इमारत खरीदी और वॉलेट को एक दफ्तर में तब्दील कर दिया कि वो खिड़की लगाने के लिए इस कमरे में मोटी दीवार को तोड़ नहीं सकते थे ताकि वो भी अपनी तस्वीर एक खिड़की के साथ लटकाई गई। एक दूसरे सारिफ ने अपने घर की तय खाने में एक अजीबो गरीब दरियाफ्त दिखाई जो अंधेरे की तरफ जाने वाला एक बहुत बड़ा सुराख था और ठंडे माया से भरा हुआ था। सारिफ घबराया नहीं और घड़े की पैमाइश की कि ये सिर्फ 8 फुट का है या गहरा है। आम पानी से भरा हुआ ये गड्ढा और कुछ नहीं मिला, कोई खुफिया कमरा या तय खाने। दर हकीकत ये सिर्फ एक घड़ा नहीं था बल्कि एक खास कुआं कहलाता था। और एक बार फिर रेडिट सारिफिन का शुक्रिया के जवाब दिया गया, माजी में लोगों ने ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करी। बहुत से घरों में पानी की सप्लाई को भरने के लिए होस खुश्क इलाकों में मकबूल थे जहाँ नमकीन पानी की फराहमी के निज़ाम तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे।
या जब लोग डरते थे कि कोई दरिया आबी ज़खायर लूदा पानी या बारिश का पानी जमा करके इनको इन कुओं को कुओं में जमा किए करते हैं ताकि इर्द गिर्द की मिट्टी से आलूदगी से बच सके। उन्होंने इन घड़ों को सीमेंट किया। लोग घर के साफ़ी के लिए सफाई के लिए नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप साफ पानी पीने के लिए ऐसे टैंक में फिल्टर भी लगा सकते हैं। साफ पानी को कुछ देर इस्तेमाल कर सकते हैं। सारिफ को कुछ अजीब मालूम होगा जो इसमें नहीं था घर, लेकिन दफ्तर के तय खाने में जहां इसने कैंट्रेट के एक अंधेरे कमरे में काम किया, वहां इसने देखा कि नामालूम की तरफ जाने वाला एक सुरख लोहे का दरवाज़ा बहुत वक्त बंद रहता था। ठंडी पता पर लिखा हुआ था कि इस पर कोई ताले या चाबी का सुराख नहीं थे। सिर्फ बोल्ट थे। सारिफ इसे आसानी से खोल सकता था, लेकिन क्या आप हिम्मत नहीं करते थे कि ये चीज़ दर हकीकत बिल्कुल भी खौफनाक नहीं, लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक था। ये ट्रांसफार्मर स्टोरेज है जिसके अंदर एक ताकतवर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है जो छट कर फट सकता है या आग पकड़ सकता है या किसी को बिजली की का झटका भी दे सकता है। लोगों से दूर तय खाने में एक इलेक्ट्रीशियन के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। किसी को इनके नए अलग अलग अटारी में एक अजीब सा छोटा सा कमरा मिला। एक छोटे से लोहे के दरवाजे के पीछे सारिफ को एक छोटा सा बिस्तर मिला जिसमें कई शेल्फें भी थीं और एक छोटी सी खिड़की भी थी। ऐसा लगता था कि वहाँ कोई रहता है, लेकिन इस बारे में तकरीबन कोई मालूमात नहीं है कौन और क्यों रहता है। तो तसव्वुर करें कि आप एक उजड़े हुए घर से गुजर रहे हैं और अचानक एक प्रीत नज़र आए। दीवार में फंस कर फरार होने की कोशिश करते हुए एक रेडिट सारिफ ने एक मतरूक मकान में एक गैर मामूली तंसीब की तस्वीर खींची। ऐसा लगता है कि कोई शख्स दीवार की को तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यकीनन यहाँ कोई भेद या जादू नहीं है, किसी की अजीम मुजस्मा साजी की महारत है, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत लग रहा है, खौफनाक भी। बहुत से सारिफिन को अपने घर में खुफिया कमरे मिलते हैं और कोई नहीं जानता कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते थे और वहाँ कौन रहता था, लेकिन इस आदमी को अपने घर के बैक साइड में सबसे ज़्यादा अमली और कीमती जगह मिली। इसने 50-60 की दिहाई में बनाए गए ताबकार फजले से एक पनाह गाह दरियाफ्त की। काफ़ी माहौल और महफूज नज़र आता था। ये सारिफ एक नए घर में चला गया और इस दीवार में ये अजीबोगरीब सफ़ेद दरवाज़ा दिखाई दिया। वाटर हीटर के लिए एक जगह की तरह दिखाई देता था। कुछ और पता चला कि दरवाज़ा एक अजीब कमरे की तरफ ले गया और वो छोटा था लेकिन आरामदार था। किसी ने फर्श पर कालीन भी बिछा दिया, लेकिन इस कमरे के पिछले हिस्से में एक और दरवाज़ा था जिसमें ताला लगाया गया था। सारिफ ने सियाह दरवाज़ा खोला और दूसरे के अंदर कदम रखा। एक बहुत ही खौफनाक कमरा जिसमें दीवारें छत साउंड प्रूफ प्लेटों और सफ़ेद प्लास्टिक के तारों से ढकी हुई थी और इसने 3-4 आउटलेट्स भी देखे जो किसी छोटे से बिस्तर की तरह लग रहे थे। फर्श पर एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ था जिसमें लकड़ी के पुराने लफाफे थे जिनमें पैसे थे। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले चांदी के 4 छोटी छोटी सुराखें थीं, लेकिन इसका इस जगह से अजीबोगरीब बात यह थी कि सियाह सफ़ेद सारिफ ने इसे खोला तो इसे कई VHS कैसेट्स मिली और एक सफ़ेद शीट पर
सेव खुद को, सेव योर सेल्फ लिखा हुआ था, पर सारिफ को रामाबाद शेयर करना चाहता था। रेडिट पर टेप देखकर बहुत से लोगों ने सोचा कि ये जाली है और इस पर नहीं यकीन नहीं किया, लेकिन फिर एक और सारिफ ने कहा कि वो घर साहब का मालिक को जानता है, ये सिर्फ एक आम बात थी। फिर सारिफ ने